हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स ट्रायंगल पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन और उसके साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स का डिस्कशन किया था। इसमें हम ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू एंगल्स डिस्कशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री के होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी एंगल्स होंगे सारे एक्यूट होंगे, मतलब लेस देन 90 होंगे, प्लस में इन तीनों का सम होगा 180, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि इन एंगल्स का सम 180 ही होता है हमेशा। तो 60, 70 एंड 50 को आप ऐड करेंगे तो 180 आपका आएगा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स एक्यूट होते हैं, लेस देन 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका डायग्राम मैंने बना दिया है। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया है, ये देखिए जो ये एंगल बना है ना, ये देखिए ये एंगल जो आपका होता है ये वाला ऐसे स्ट्रेट एंगल जो होता है 90 का होता है, और जैसे इस साइड घुमा वो 90 से क्रॉस हो गया, तो वन एंगल इज एक्यूट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वन एंगल है, क्योंकि अगर हम टू एंगल एक्यूट लेंगे, ऑब्ट्यूज लेंगे, तो टू एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ग्रेटर देन, और दो एंगल का मतलब हो गया 90 प्लस 90, 180 से ग्रेटर देन, तो उनका सम हो जाएगा 180 से ग्रेटर। और जबकि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उनके एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा नहीं होता है, तो किसी भी ट्राइंगल में ओनली वन एंगल ही पॉसिबल जो ऑब्ट्यूज होगा, ओनली वन एंगल पॉसिबल। ओके, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, अगर ऐसा एक एंगल है तो उसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड वन, राइट एंगल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, तो 90 डिग्री एंगल भी एक ही पॉसिबल है, बिकॉज अगर हम 90 डिग्री एंगल दो ले लें तो 90 प्लस 90, 180 हो गया, तो थर्ड वाला एंगल तो जीरो तो हो नहीं सकता। ओके, तो 90 डिग्री एंगल भी वन ही पॉसिबल होता है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, देखो ये वाला ये 90 डिग्री है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन होती है ना ये वाली, तो ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं दोनों साइडों में, देखो स्ट्रेट एंगल है। तो एक ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देन ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, सिंपल है, आप याद करेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं साथ साथ एक बात आपको वो बता दूँ, वैसे क्लासिक्स में है नहीं ये, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम जो ऑलवेज एक राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने एक डायग्राम बनाया है। बेसिकली होता क्या है, जो ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट साइड्स ये वाली, इसके जस्ट अपोजिट साइड्स ये वाली AC, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट साइड्स को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो लेंथ में सबसे बड़ी होती है, इन दोनों से सबसे बड़ी है। आप देख सकते हैं, देखो इससे इस दोनों से सबसे बड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को जनरली हम H से डिनोट कर देते हैं, स्पेलिंग H से स्टार्ट हो रही है। एक इसका बेस होता है और एक इसकी हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया नीचे वाला, ये इसकी हाइट हो गई। इसमें भी एक पर्टिकुलर रूल है कि बेस और हाइट पर्टिकुलर चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल की बातें आ जाती हैं, 9th-10th में थीटा वेटर लेते हैं। अभी तो आप ये माइंड में रखेंगे, ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला बनता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप थ्योरी क्लियर करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स स्टडी करेंगे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।